मथुरा जनपद के छाता कोतवाली क्षेत्र में एक गांव की रहने वाली महिला के साथ दुष्कर्म और छेड़खानी करने का मामला सामने आया है, जिसमें गांव के ही रहने वाले रेवती रमण पर बलात्कार और राजेश नामक व्यक्ति पर छेड़खानी के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने दोनों आरोपियों समेत कोतवाली पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। महिला का कहना है कि वो लगातार 3-4 दिन से अपनी फरियाद लेकर छाता कोतवाली के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। महिला ने बताया कि कोतवाल के द्वारा उनकी एक FIR लिखने की बजाय उसे ही डरा धमका कर थाने से भगा दिया और आरोपियों से राजीनामा कर लेने की बात कही। महिला ने छाता कोतवाली में लिखित तहरीर देते हुए बताया कि उसका पति ओम प्रकाश नोएडा में रहकर गाड़ी चलाने का काम करते हैं। उसके पड़ोस में रहने वाले रेवती रमण के द्वारा इसी बात का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके अश्लील फोटो खींचकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जब महिला का पति गांव आया तो उसने ये बात अपने पति को बताई, जिसके बाद पति पत्नी छाता कोतवाली पहुंचे, लेकिन वहां पर उनको डांट फटकार कर भगा दिया गया। 3 दिन बीत जाने के बाद भी महिला का मुकदमा छाता कोतवाली द्वारा दर्ज नहीं किया गया। क्या नाम है? काजल। क्या घटना हुई? 23 तारीख को आया रेवती रमण, उसने आके बोला, पहले तो फोटो खींच लिए, फिर बोला बच्चों को मार दूंगा, जानते अगर तूने मेरे साथ ये सब कुछ नहीं किया। मैंने मना कर दिया, फिर उसने जबरदस्ती की कपड़े अपड़े खींचे, फिर उसके बाद में वो रेप करके और चला गया, भाग गया। फिर 28 तारीख की रात को वो फिर भी आया, फिर भी उसने ब्लैकमेल किया और बोला फोटो वायरल कर दूंगा ऐसा वैसा। मैंने बोला मैं अपने पति को बता दूंगी, मेरे पति घर पे नहीं थे, वो चेन्नई में थे। फिर क्या कहते हैं, उसने फिर भी नहीं माना, वो फिर भी ऐसे ही काम करता और चला गया। फिर उसके बाद में वो आए, मैंने उन्हें बताया, हम थाने आए। थाने आए, यहाँ से 2 दिन से चक्कर काट रहे हैं, इन लोगों ने डांट कर भगा दिया। बोले क्या कहते हैं, दबाव डाल रहे थे राजीनामा का, बोले राजीनामा कर लो ऐसा वैसा, लड़ाई आगे मत बढ़ाओ ऐसे करते हैं। अच्छा, कौन था थाने में जिससे आपकी बात हुई? ऐसो ऐसो थे। हाँ ऐसो थे, और बहुत चिल्ला के भगा दिया उन्होंने।